दोस्तों देखिए, भारत की कोरिया मोरो मुकाबला में रविंद्र जडेजा का आया तूफान। विकेट्स के बाद विकेट से गिराते गए रविंद्र जडेजा ने लेते गए। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने आज विकेट्स के ऊपर विकेट लेते गए, जिसको देखकर एशिया कप में पूरी हाहाकार फैल गई है। और दोस्तों अगर बता दें आप सभी को कि एशिया कप 2023 के भारत की दूसरी मुकाबला नेपाल के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने किया कमाल, जानेंगे आज की इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग भी चाहते हो कि एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय टीम जीते, तो आप लोग दिल से इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। दोस्तों भारत और नेपाल के अंदर शुरू हो चुका एक बेहद शानदार मुकाबला, जिसको अगर नेपाल जीतेगी तो नेपाल क्वालिफाई करेगी, अगर भारत जीतेगी तो भारत सुपर फोर में क्वालिफाई करेगी। तो दोनों देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। कोरिया मोरो के मुकाबले में भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी नहीं सोचा पहले मुकाबले की तरफ से, लेकिन आज गेंदबाजों को थोड़ी सी एफर्ट दिलाया और गेंदबाजी करने के लिए निर्णय कर दिया पहले टॉस जीतकर। तो भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में बहुत ही बढ़िया विकेट्स नजर में आता हुए नजर में आए थे। लेकिन दोस्तों शुरुआत में भारतीय टीम की तरफ से पहले श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ दिए थे, उसके बाद विराट कोहली जो कि अच्छे फील्डर है उनके द्वारा भी कैच छूट गया था, और उसके बाद फिर से दोस्तों तीसरी कैच ईशान किशन की तरह छूट गया था। लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर आए, पहले विकेट भारत के लिए चमकाए। लेकिन उसके बाद आया दोस्तों रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा ने विकेट्स के बाद विकेट लेते गए नेपाल के बल्लेबाज का तंग करके रख दिए थे, और तीन महत्वपूर्ण विकेट अभी तक ले चुके हैं। और अभी का स्कोर कार्ड हुआ है दोस्तों, बारिश अभी चल रही है, लेकिन नेपाल के स्कोर कार्ड अभी की बात कर जाए तो 37.5 ओवर में 178/6 विकेट जा चुका है। दोस्तों आपके क्या लगता है दोस्तों, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव में से कौन है एक बेहतरीन स्पिनर, आप लोग इस बात को नीचे कमेंट करके अवश्य बताएगा। दोस्तों ये मुकाबला को नेपाल या भारत टीम जीत पाएंगे ये बात को भी बताएगा। दोस्तों आप सभी के साथ और एक वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। आपको क्या लगता है भारत या नेपाल जीतेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए।